start with the rubbing velocity. Rubbing velocity means what? He koi four bar mechanism hai. In a four bar mechanism, the four link along with what? Four turning pair. Or turning pair kaise move karta hai? Is type se, to jo pin dala hua, usme rubbing hota, rubbing action. That ki wo rubbing ka velocity kya hai? Sometimes I have seen some of the question in the PSUs or game mein bhi pooch sakta hai, theek hai? To hume koi gap nahi chhodna hai preparation ke liye. To main rubbing velocity reveal karne ja raha hu. Ye mainly aapko dekhne ko milega kahan pe? At the joint, okay? At the joint pe milega. Aur ye mainly depend kis pe karta hai? Relative velocity, relative angular velocity ki baat kar raha hu main. देखो सबसे पहले एट पिन ए पे देख रहा हूं. एट पिन ए, ये पिन ए है, ये वाला ये लिंक, दिस एडी लिंक इज फिक्स्ड. इफ एडी लिंक इज फिक्स्ड, ओनली दिस टू लिंक विल व्हाट इज मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा 2. अगर ओमेगा 2 इनटू रेडियस, आर इज फॉर रेडियस ऑफ पिन ए, तो पिन का जो रेडियस है वी इक्वल्स टू आर इनटू ओमेगा. Omega is of this length, but चूंकि किसका निकालना है, the rubbing velocity of pin, तो हमें उसका क्या देना होगा, radius हमें pin का चाहिए. तो अगर मैं a a a pin की बात कर रहा हूँ rubbing velocity, तो this is velocity of rubbing of pin a, this is omega 2, जिससे omega 2 उस pin से जो link attached है, वो वाला link का omega into radius of pin a, okay? Is this is rubbing velocity. उस पिन, वो पिन कितने velocity से move कर रहा है relative to, उतना ही rubbing मतलब क्या होता है, घिसना होता है, means it will rub with a velocity of r into omega. R is the radius of pin A, omega is the link attached to that pin, okay? Next one is pin B पे, at pin B, this is rubbing velocity of pin B is equals to, अच्छा पिन बी जो है ये किससे अटैच है, लिंक 2 से और लिंक 3 से. तो अब ये लिंक 2 और लिंक 3 के रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा. तो रिलेटिव वेलोसिटी के केस में अगर कोई बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो नेगेटिव होता है, मतलब सबट्रैक्ट करके नेट वेलोसिटी निकालते हैं. अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऐड हो जाता है. तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा डायरेक्शन, for the same direction of omega take negative, this is omega 2 plus minus omega 3, net omega into a radius of pin B. So net omega negative lena hai. Agar omega 2 or omega 3 ka direction kya hoga, same hoga. If the direction of omega 2 and omega 3 same, then you have to take the negative sign. Otherwise for opposite direction of omega take positive, take positive sign. Positive sign where? Here. Okay. The means overall ये समझना है कि we have to consider the net velocity. कि net angular velocity कितने से ये angular velocity net उस pin पे आ रहा है. तो उस pin पे कितना velocity आएगा? जितने से ये move कर रहा है और जितने से दूसरा pin move कर रहा है. इस वाले केस में इसका ये fix है. तो one अगर fix है और ये वाला pin one और two से attached था. तो 1 का ओमेगा 0 हुआ, इसीलिए सिर्फ हमने ओमेगा 2 को लिया. अब इसके केस में 2 और 3 है, तो दिस इज ओमेगा 2 प्लस माइनस ओमेगा 3. प्लस लेना है अगर ओमेगा 2 और ओमेगा 3 अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अच्छा कैसे पता करेंगे कि इफ ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3 हैव द सेम सेंस और अपोजिट सेंस, बाय यूजिंग द केनेडी थ्योरम. तो केनेडी थ्योरम वाले लेक्चर को देखो और वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि आई सेंटर को लोकेट करते थे, कुछ कुछ याद आ रहा होगा. तो जस्ट गो टू दैट थ्रू दैट लेक्चर, यू विल गेट कि कैसे करना है. तो मेन यही फंडा होता है. तो ये पूछ लेगा कभी गेट में. नेक्स्ट इज एट पिन सी, सी पे, सी जो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज सी. तो अगर ये सी पॉइंट है, दिस सी पॉइंट, तो सी किस किस से अटैच है, 3 और 4 से. तो दिस इज ओमेगा 3 प्लस माइनस ओमेगा 4 इनटू रेडियस ऑफ पिन सी. अगेन पॉजिटिव साइन यू हैव टू टेक इफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 4 हैव द सेम सेंस, अदरवाइज अपोजिट सेंस अगर है तो किससे लेना है, नेगेटिव साइन. क्या लेना है, सेम सेंस के लिए नेगेटिव, अपोजिट सेंस के लिए पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओमेगा के लिए पॉजिटिव, पॉजिटिव. ठीक है.
अब फोर्थ फोर्थ डी पॉइंट की बात कर रहा हूं, रबिंग वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी, तो फिर से ये डी किसके किसके बीच में आ रहा है, फोर्थ लिंक और वन लिंक के बीच में, लेकिन वन लिंक क्या है, फिक्स लिंक है, दिस ओमेगा इज जीरो, तो ओमेगा फोर सिर्फ आएगा, दिस ओमेगा फोर इंटू रबिंग वेलोसिटी ऑफ पिंडी। तो वन और ए और डी तो बहुत कम पूछेगा, ये वाला पूछता है क्योंकि इसमें कैनेडी थ्योरम का यूज है, ठीक है। तो आपको कैनेडी थ्योरम प्रॉपरली देखना है टू गेट द सेंस ऑफ ओमेगा, वेदर ओमेगा टू एंड ओमेगा थ्री और ओमेगा थ्री एंड ओमेगा फोर हैव द सेम सेंस, सेम सेंस और अपोजिट सेंस। तो फ्रॉम देयर यू विल गेट दिस सेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन गेट द रबिंग वेलोसिटी ऑफ एवरी व्हाट एवरी पेन, ठीक है। यहां तक में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। तो रबिंग वेलोसिटी का यही तक सीन है। आगे जो अभी हमें अपकमिंग लेक्चर्स में देखने हैं, एक तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन वाला पार्ट चलेगा, तो हाउ कैन वी ड्रॉ द एक्सेलरेशन डायग्राम, द फर्स्ट एक आने वाले लेक्चर्स की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट इज कैलिन्स कंस्ट्रक्शन, कैलिन्स कंस्ट्रक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, द स्टेप वाइज प्रोसीजर इज देयर, जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा आपको सेम फॉलो करना है, आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, कोई ना बुक की जरूरत है, यू विल गेट एवरीथिंग ओनली ऑन दिस चैनल, ओके। तो एक एक चीज आपको मिलेगा, आप बस एक एक करके आपको क्या करना है, आपको अपना नोट्स बनाना है खुद का, ठीक है। वीडियो ओपन करो और 10 से 15 बार वीडियो देखो, तो आपसे सारा क्वेश्चन गेट आईएएस आईएएस सबका क्वेश्चन बनेगा, ये श्योर है, ठीक है। यही पर के हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आप लोग भी कर ले जाओगे, ठीक है। तो जस्ट रिवाइज द थिंग इन द वे, मींस आपको बहुत ज्यादा टाइम रिवाइज करना है, एंड गिव एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ नाउ, दिस इज वेरी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, बहुत पूरा का पूरा टाइम स्टडी बेस्ड होना चाहिए, कि आपको एक एक सेकेंड आपकी लाइफ का पढ़ाई को देना है, तो और हमेशा मोटिवेटेड रहना है और अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। वेदर चेंज हो रहा है, हेल्थ इशू हुआ, 5 से 6 दिन का या 7 दिन बर्बाद हो जाता है टाइम, तो यू हैव टू कीप दिस दीज थिंग्स आल्सो इन द माइंड, कि हेल्थ उसके बाद पढ़ाई, ठीक है, और थर्ड सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। तो इतना करते रहो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है।